हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिन डॉट के फार्मा। आज हम लोग बात करेंगे एक और एम्स की वैकेंसी के बारे में। अभी अभी एम्स भोपाल में वैकेंसी निकली हुई थी और फिर से ये दोबारा से वैकेंसी निकली हुई है एम्स देवघर में। ये एम्स देवघर कहाँ पे है? ये झारखंड में है। तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत आ रहा है और ये गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, इसमें सैलरी 7 पे के हिसाब से दी गई है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या इसमें एज लिमिट है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। एप्लीकेशन कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये भी मैं बताऊंगा। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लिन डॉट के फार्मा को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूँ और इसी तरह के वीडियो मैं डालता रहता हूँ तो आपके पास अपडेट पहुँच जाए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की बात हो रही है और लेवल 5 है। 7 पे के हिसाब से ये लेवल 5 है, जिसका जो ग्रेड पे बनेगा वो 29,000 से लेके 92,000 वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसमें चार वैकेंसी हैं जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की हैं और एक वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए है। ओके, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। इस तरह से टोटल वैकेंसी हो गई 5। ओके, देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई पीसीआई। कोई भी डिप्लोमा कॉलेज से आपने, कोई भी डिप्लोमा कॉलेज है वहाँ से आपने पीसीआई, वहाँ से आप कोई भी डिप्लोमा कॉलेज है अगर वहाँ से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। देन आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, अपनी अपनी स्टेट में आप लोग रजिस्टर्ड हो। डिजायरेबल जो कंडीशन है वो क्या है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स इन ए रिप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। एज लिमिट इसकी रखी गई है 21 से 27 साल, एम्स भोपाल में भी रखी गई है, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या है। तो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एससी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी के लिए एंड एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का दिया गया है और पीडब्ल्यू बीडी के लिए दिया गया है 10 ईयर्स का। ओके, अगर गवर्नमेंट सब एम्प्लॉई है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और एक सर्विस मैन अगर है तो उनको 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल एंड ओबीसी के लिए ये फॉर्म पड़ेगा लगभग 1500 का और इसमें प्लस इन जीएसटी ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, एक्सक्लूडिंग है ये, तो 1500 प्लस जीएसटी पड़ जाएगा जनरल की फीस। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 1200 का है, यानी कि 1200 का है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए और जो वुमेन्स हैं उनके लिए निल है। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन फी लगेगी। इसके बाद देखते हैं कि टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द क्वेश्चंस विल कम लाइक एमसीक्यू, 100 MCQ आएंगे जिसको कंप्लीट करना होगा आपको 120 मिनट्स में। ओके, और ये बाईलिंगुअल होगा, आप हिंदी में चूज करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहेगा, जैसे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करने के लिए 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 आएंगे, इंग्लिश के 10 आएंगे, बेसिक कंसेप्ट और मैनेजमेंट के, कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है इसके 10 आएंगे। तो इस तरह से ये कैटेगरी वाइज दे दिया गया है किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट में ये आपको करने हैं, निगेटिव मार्किंग भी होगी। देन हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ द फी, फी फी की पेमेंट करनी है, देन डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। फॉर्म को भरने के लिए जो डेट रखी गई है वो 27/10/2023 से लेके 16/10/2023 तक रखी गई है, ओनली ऑनलाइन मोड।
अदर मोड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पे, ओके जॉब्स पे जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, एम्स देवघर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जॉब पे जाएंगे, जॉब पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से, ओके जॉब पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये दूसरा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप लोग नए होंगे तो आपको यहाँ पे करना होगा। ओके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से दूसरा पेज खुल जाएगा। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इंट्रो पूरी कर देनी है, इंफॉर्मेशन दे देनी है, जैसे नाम हो गया, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम क्या होगा, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, इस तरह से बेसिक इन्फो आपकी यहाँ पे भर दी जाएगी। दूसरे में फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको देने होंगे। तीसरे में डिटेल्स होगी आपकी, कितने मार्क्स हैं, कितनी मार्कशीट हैं, इस सब के बारे में। फिर प्रीव्यू देंगे, आप चेक कर सकते हैं जो आपने भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा है। देन अपलोड्स, मार्कशीट की अपलोड मांगेगा। देन इसके बाद पेमेंट, तो पेमेंट इस तरह से जब आप कर लेंगे तो ये आपका फॉर्म भर जाएगा। इम्पोर्टेंट वेबसाइट की लिंक क्या है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट की लिंक ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाएंगे। ओके सो तो एम्स देवघर में 5 वैकेंसी निकली हुई है। ये ना ये मत समझना है कि सिर्फ 5 ही वैकेंसी है भाई, आपको तो एक ही चाहिए ना, तो फाइट करिए आप अपनी पोजीशन के लिए। और सच में इसमें 92,000 तक का मिल सकती है आपको सैलरी, साथ में इसमें टीए, डीए, बेसिक और पता नहीं क्या क्या सारी एम्स की जॉब है, तो लगभग 1.5 लाख से कम तो 80 क्या एक एक 20 से लेके एक 1.60 तक की तो आपकी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में या फिर 1-2 साल के बाद सैलरी होनी पक्की है। तो फाइट करिए आप लोग, ठीक है, जब तक फाइट नहीं करेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। और एम्स का एग्ज़ाम है तो आपको कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। ओके ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल lin.kpharma को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोग वीडियो थोड़ा देखा करें, फास्ट फास्ट भगा भगा के देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पे हिट कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत का तुरंत पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी फार्मेसी। Thank you.